स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। Cheer up my brother. और इसलिए धाड़स बांधो मेरे भाई। Cheer up my sister. मेरी बहन धाड़स बांधिए। The Lord Jesus came down into this world as a counselor. प्रभु यीशु मसीह संसार में एक सलाहकार के रूप में आया। He wants to be in you and with you all the time. वो हर समय आप में और आपके साथ में होना चाहता है। To guide you minute by minute. कि हर एक मिनट आपकी अगुवाई करते जाए। आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। Let us turn to the book of Isaiah, chapter 9 and verse 6. आइए यशायाह की किताब देखें, अध्याय 9, वचन 6। For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसकी कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। The Lord Jesus Christ came as a counselor. प्रभु यीशु मसीह एक सलाहकार के रूप में यहाँ पर आया। And he has come down into this world to give us a counsel of peace with God. और यहाँ पर वे संसार में आया ताकि परमेश्वर के साथ में हमें शांति की सलाह दे सके। Not only that. केवल इतना ही नहीं। Look at my Lord Jesus. मेरे प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए। In John 13:33, यूहन्ना अध्याय 13 वचन 33 में, His disciples were upset and worried. उसके जो चेले थे वो परेशान हो गए थे, चिंता में डूबे थे. Because he told them. क्योंकि उसने अपने चेलों से कहा था, The time for me to leave has come. मेरे जाने का समय अब आ चुका है. You will not see me anymore. तुम मुझे अभी फिर नहीं देखोगे. It broke their hearts. इससे उनका दिल टूट गया. And They asked him a question. और उन्होंने उससे एक सवाल पूछा। Where are you going? तू कहाँ पर जा रहा है? Where are you going? तू कहाँ पर जा रहा है? Jesus said. यीशु ने कहा। In John 14:2-3. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 और 3 में। I am going to heaven. मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। I am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। In my father's place there are many mansions. मेरे पिता की जगह पर बहुत से भवन हैं। I go to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर जगह तैयार करने जाता हूँ। My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। He took care of the worry about the future. उसने भविष्य की जो चिंता है उससे भी निपट लिया। He was able to give a counsel about the life hereafter. और यहाँ के बाद जो जीवन है उसके बारे में उसने हमें यहाँ पर सलाह दी है। Luke chapter 23 verses 42 and 43. लूका अध्याय 23 वचन 42 और 43. There was a thief who was hanging with Jesus Christ on the cross. और यहाँ पर एक चोर था जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका था. When the moment of his death came. और जब उसकी मृत्यु का समय आया. He cried out unto Jesus. वो यीशु को वहाँ पर पुकार उठा. Lord remember me. हे प्रभु तू मुझे याद रखना. When you come in your kingdom, remember me. जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Don't worry. चिंता न करो. Today you'll be in paradise with me. आज तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा. What a word of wisdom. ये तो सच में बुद्धि का कितना अच्छा वचन है. What a word of assurance. ये कितना अच्छी शाश्वती का वचन है. On the 2nd January 1990. 2 जनवरी 1990 की ये बात है. I was reading my Bible and praying in my room. मैं बाइबल पढ़ रहा था और अपने कमरे में ही प्रार्थना कर रहा था. When I go to pray and read my Bible, nobody bothers. जब मैं प्रार्थना करने जाता और बाइबल पढ़ने जाता तो कोई मुझे परेशान नहीं करता था. Because I may be there for 1 hour or 2 hours or more. क्योंकि शायद मैं वहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे या उससे भी ज्यादा समय उस कमरे में बिताता था. Suddenly my wife came to see me. अचानक मेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आई. There I was lying on the ground. और वहाँ पर मैं जमीन पर लेटा हुआ था. Lifeless. बिल्कुल मानो पूरी तरह से बेजान हो गया था. And she rushed me to the hospital. और वो मुझे तुरंत ही अस्पताल में लेकर आई. 1.5 hours have passed by. 1.5 घंटा ऐसे बीत गया. The doctor said. डॉक्टर ने कहा. You have brought a dead man. आप तो यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति को लेकर आए हैं. 1.5 hours ago, his heart has stopped beating. 1.5 घंटे पहले ही इनका दिल धड़कना जो था, वो बंद हो चुका है.
But on the way to the hospital, लेकिन अस्पताल में जाते समय वहाँ पर रास्ते में ही, as they were carrying me in the car, और जैसे वो मुझे कार में लेकर जा रहे थे, for one split second, बस एक पल भर के लिए, my consciousness came back, मेरी सचेतता वापस आ गई, I still remember that moment, मुझे वो पल अभी भी अच्छे से याद है. I felt I was lying on the lap of my wife. मैंने महसूस किया कि मैं अपनी पत्नी की गोद में लेटा हुआ हूँ. People are crying around me. और मेरे आसपास जो लोग हैं, वो बहुत रो रहे हैं. And I thought in my heart. और उस समय मैंने अपने दिल में इस तरह से विचार किया. Oh, I am leaving this world. Oh, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ. Everything was dark around me. और मेरे आसपास सब कुछ पूरी तरह से अंधकार था. The second thought was. और दूसरा विचार ये था. Oh, I am going without telling anybody anything. और मैं किसी को भी कुछ भी बताए बिना यहाँ से जा रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ. But then thirdly, लेकिन तीसरी बार, a great peace came over my heart. महान शांति मेरे दिल के ऊपर में आ गई. And the thought came, और एक विचार आया, the Lord will take care of you. परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, वो सारी चीजों की देखभाल करेगा. The Lord will take care of everything. प्रभु हर एक चीज की देखभाल करेगा. Even at that moment, God's counsel came to me. और उस समय जो है, परमेश्वर की सलाह मेरे पास में आई. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, The Lord Jesus Christ came into this world to give counsel to us. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो हमें सलाह दे सके. Even at the moment of death, His counsel would come. और यहाँ तक कि मृत्यु के समय में भी उसकी सलाह आ सकती है. Oh, if we love Him, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, we have nothing to worry. तो हमारे पास चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है. And my dear brothers and sisters, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, He is doing one thing more. वो एक और काम कर रहा है. Because of the sacrifice of Jesus Christ on the cross. क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ उसके कारण. He does one thing more for you. उसने आपके लिए एक और बात की है. He wants to have you filled with His counsel at all times. और वो चाहता है कि आप हर समय उसकी सलाह से भरे हुए हो जाएं. The Bible says. बाइबल कहती है. In Isaiah chapter 11 and verse 2. यशायाह अध्याय 11 वचन 2 में. When Jesus Christ came into this world, जब यीशु मसीह इस संसार में आया, the spirit of counsel and might was placed upon him. और जो सलाह और सामर्थ्य की जो आत्मा थी, पराक्रम की आत्मा, उसके ऊपर में रखी गई. The spirit of counsel and might was upon him. और सलाह और पराक्रम की आत्मा उसके ऊपर में रखी गई. Today, आज के दिन, he says in John 14:16-17. और वो यूहन्ना 14:16-17 में इस तरह से कहता है. What he told his disciples. उसने अपने चेलों से जो कहा है. He told his disciples. उसने अपने चेलों से कहा. Don't feel sorry that I'm going away. ना ये दुख मत करना कि मैं चले जा रहा हूँ. You may not be able to see me physically. तुम मुझे शारीरिक रूप में नहीं देख पाओगे. But that does not matter. लेकिन कोई बात नहीं. That does not matter. कोई फर्क नहीं पड़ता. I am going to heaven before you. मैं तुम्हारे सामने स्वर्ग में उठाए जाता हूँ. And I will speak to the king on the throne. और उस सिंहासन पर जो राजा है, उससे मैं बातें करूंगा. I will ask him to send the same spirit of counsel and might upon you. और मैं उससे मांगूंगा कि वही सलाह और पराक्रम की आत्मा आपके ऊपर वो उंडेले. So that the presence of God will be in you all the time. और इसलिए परमेश्वर की जो उपस्थिति है, हर समय आपके साथ में होगी. Yeah. And he'll be able to guide you minute by minute, second by second. और हर एक मिनट, हर एक पल में वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई कर सकेगा. Cheer up, my brother. और इसलिए धाड़स बांधो मेरे भाई. Cheer up, my sister. मेरी बहन, धाड़स बांधिए. The Lord Jesus came down into this world as a counselor. प्रभु यीशु मसीह संसार में एक सलाहकार के रूप में आया. He wants to be in you and with you all the time. वो हर समय आप में और आपके साथ में होना चाहता है. To guide you minute by minute. कि हर एक मिनट आपकी अगुवाई करते जाए. Second by second. हर एक पल अगुवाई करे. So he says, I am going to give you the same spirit of counsel and might that I had to you. और वो कहता है कि मैंने जो सलाह और पराक्रम का आत्मा पाया, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. Some years ago, कुछ साल पहले, a great magician came to Madras. एक बहुत ही बड़े जादूगर जो है, वो मद्रास शहर में आए. He would place a man on a table. और वो किसी मनुष्य को वहाँ पर टेबल पर लिटा देते थे. Cover him. और उसको कवर करते थे. Then cut the table into two. और उस टेबल को दो भाग में काट दिया करते थे. Then again unite the table. और फिर से उस टेबल को जोड़ देते थे. Remove the sheet. और उस चादर को हटाते थे. And the man will come back alive. और वो जो मनुष्य उसके ऊपर लेटा है, वो फिर से खड़े हो जाता था. One day some press reporters asked him. एक दिन किसी प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा.
सर हाउ आर यू एबल टू डू ऑल दिस वंडरफुल थिंग्स? सर आप ये सब कुछ अद्भुत काम किस तरह से कर सकती हैं? द मैन वेप्ट, और वो आदमी रो पड़ा। ही सेड, और उन्होंने रोते हुए कहा, इट इज माय फादर्स स्पिरिट दैट कम्स एंड गाइड्स मी, ये तो मेरे पिता की आत्मा है जो आकर मेरी अगुवाई करती है। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, the Almighty God said, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, I want to give you my spirit of counsel and might. मैं तो तुम्हें सलाह और सामर्थ की, पराक्रम की मेरी आत्मा तुम्हें देना चाहता हूँ। He never wants you to be alone in this world. वो कभी नहीं चाहता कि आप इस संसार में अकेले ही रहें। Oh, he never wants you to be alone in this world. Oh, वो कभी नहीं चाहता कि आप इस संसार में अकेले ही रहें। He wants you to have him all the time. वो चाहता है कि आप हमेशा उसे अपने साथ में रखें। He wants to have you filled with his Holy Spirit and might all the time. और वो चाहता है कि हमेशा आप उसकी पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ के साथ में भरे हुए हो। So that you will be a mighty person in this world. और इसीलिए कि आप यहाँ पर संसार में सामर्थी व्यक्ति हो जाए। Problems may come. समस्याएं शायद आएगी। Tribulations may come. संकट क्लेश आएंगे। Frustration may come. परेशानी तो निश्चय ही आएगी। Opposition may come. विरोध शायद आए। Sickness may come. बीमारी शायद आए। Persecution may come. सताव शायद आए। All kinds of problems may come. शायद हर तरह की समस्या आए। But if you have the spirit of wisdom, the spirit of counsel, the spirit of might, you can always conquer. लेकिन अगर आपके पास में बुद्धि की आत्मा, सलाह की आत्मा, पराक्रम की आत्मा है, तो आप हमेशा जयवंत होंगे। आशा है आपने इस अद्भुत संदेश को सुनकर बहुत तायत्ता से आशीष प्राप्त की होंगी। अब आइए हम भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के साथ प्रार्थना में शामिल होकर परमेश्वर से असीम आशीषों को प्राप्त करें। My friends, I'm ready to pray for you. मेरे प्यारे मित्र, मैं तैयार हूँ आपके लिए प्रार्थना करने को। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Master, हे स्वामी, In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, I bind every evil power that is tormenting them. In Jesus' name, I cast them out. और हर एक दुष्ट आत्मा की वो शक्ति जो इनके जीवन में इन्हें सताती है, प्रताड़ित करती है, उसे हम निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में। You evil powers, दुष्ट आत्मा की शक्तियों, leave them now. इसी समय इन्हें छोड़ दो। Leave this body. इस शरीर को छोड़ दो। I cast you out in Jesus' name. मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। I see these evil powers are making the people to scratch their bodies all the time. और मैं देखता हूँ कि ये दुष्ट आत्मा की शक्ति ऐसा करती है लोगों के जीवन में कि वो अपने शरीर को खुजलाते रहते हर समय। God heals you such people right now in Jesus' name. और आप जो ऐसे लोग हैं इसी समय परमेश्वर आपको चंगाई देता है। Receive this healing. इस चंगाई को आप ले लें यीशु के नाम से। Be healed. चंगे हो जाए। रत्नेश्वरी, रत्नेश्वरी, God healed you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको चंगाई दी है। God delivered you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुटकारा दिया है। सिंगार, सिंगार, I see a name, सिंगार, और हम देख रहे हैं कि नाम आपका नाम है सिंगार। God heals you and delivers you, brother. मेरे भाई, परमेश्वर आपको चंगाई देता है और छुटकारा देता है। रत्न कुमारी, रत्न कुमारी, God heals your skin too. परमेश्वर आपकी त्वचा में भी चंगाई दे रहा है। Every black spot. हर एक जो शरीर पर काले धब्बे हैं, every boil, हर एक फोड़ा फुंसी, every growth, हर एक गांठ, dissolve and be healed in Jesus name. निकल जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। Be healed. चंगे हो जाए। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद ऐसा करने के लिए प्रभु। Let them be delivered. प्रभु ये छुटकारे को पाए। Every oppression of the devil, I cast it out of their spirit and body in Jesus' name. शैतान के हर एक दबाव को हम इनके आत्मा और शरीर से निकालते हैं बाहर यीशु के नाम। Deliver them, Lord. प्रभु ने छुटकारा दें। Father, I sprinkle the blood of Jesus upon them. और प्रभु हम यीशु के लहू को इनके ऊपर छिड़कते हैं। Let them be free. और ये स्वतंत्र हो जाएं। Master, हे प्रभु, whatever they have lost, जो कुछ इन्होंने खो दिया financially, चाहे वो आर्थिक रूप में, give it back to them, Lord. वो उन्हें वापस लौटा दे, and honor them. और इनका सम्मान बढ़ाए। Thank you for doing it. धन्यवाद ऐसा करने के लिए। We love you, Lord. प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. मेरा नाम लता है, मैं आवड़ी से आ रही हूँ। पिछले वर्ष क्या हुआ कि
मैं बहुत सीरियस हो गई थी। रात 12 बजे मेरी सांस फूलने लग गई थी। एम्बुलेंस में मुझे लेकर गए और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में ले जाने के बाद सभी डॉक्टरों ने चेकअप करके बोला कि ये माँ अपनी अंतिम मुकाम में है, अब ये नहीं रहेंगी, अब ये माँ कभी भी मर सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जीएच भेज दिया। जीएच में भी दिखाने के बाद उन लोगों ने बोला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है जब पता चला तो मुझे अडयार अस्पताल ले आए और मुझे वहाँ भर्ती कर दिया। वहाँ मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। रात 12 बजे मेरी सांस फूल जाती थी। एक रात 12 बजे मेरी सांस फूलने लग गई। उस रात के समय में मैं अपनी कब्र तक पहुँच गई। उस रात मैंने सोते समय सपनों में देखा कि सब जगह गड्ढे गड्ढे खोद रखे हैं। उन एक एक गड्ढों में शैतान एक एक करके खड़े हो गए। शैतान उनमें खड़े होकर बोले, आ अपने लिए जगह बना ले वरना जगह नहीं मिलेगी। मैं नहीं आ रही बोलकर मेरे लिए हाल ही में जो कब्र खुदी हुई थी मैंने उसे खुद देखा और मैं उस कब्र तक गई। उस रात जब मैंने अपनी कब्र को देखा तो उसे देखकर मैं बहुत डर गई। सब डॉक्टरों ने बस यही कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर ये अंतिम स्थिति है और अब नहीं मालूम आगे क्या होगा। उनकी ये बात सुनकर मैं चुपचाप एक ऑटो पकड़ कर यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन चली गई। वहाँ मुझे एक बहन मिली। मैंने उनसे कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अस्पताल से भागकर आई हूँ। उस बहन ने कहा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, निश्चय ईश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना रखी है, वो ज़रूर आपको छुटकारा देगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, निश्चय ही परमेश्वर आपके साथ है और आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप शांति के साथ लौटिए, आप प्रार्थना के साथ जाइए, आपको छुटकारा मिलेगा। मैंने निश्चय किया कि मैं जीवन भर जब तक मुझसे होगा मैं प्रार्थना करती रहूंगी। उसी विश्वास के साथ मैं वापस अस्पताल लौटी और जाकर अपने खाट पर लेट गई। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से मेरा पूरा चेकअप किया और उन्होंने कहा, मुझे कुछ बदलाव दिख रहा है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, और इतना ही नहीं आपकी सारी रिपोर्ट जो है, सारी की सारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, डॉक्टर ने ऐसा कहा। बाकी सारे मरीज लोग बार 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 महीने में 4 बार अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, ICU वार्ड में जाते हैं, नहीं तो अस्पताल जाकर ना केवल दवाइयाँ लेकिन उसके साथ के दुष्परिणामों को भी अपने साथ लेके जाते हैं और तकलीफें पाते हैं। पर मैं तो गर्व के साथ यहाँ से जा रही हूँ, ईश्वर आगे और मैं उसके पीछे अपना रिपोर्ट लेकर जा रही हूँ। डॉक्टरों ने मेरी सब जगह अच्छे से जांच की और देख रहे थे कि मेरा कोई अंग खराब तो नहीं हो गया है। डॉक्टर ने सब कुछ बहुत अच्छे से जांचा और देखकर कहा, सभी रिजल्ट अच्छे हैं। ये सब उन प्रार्थना योद्धाओं के कारण मुमकिन हुआ है जिन्होंने मेरे लिए आंसू बहा पूरे बोझ के साथ प्रार्थना की। बहुत से आशीर्वाद, एक दो नहीं बहुत से आशीर्वाद मिले हैं। मैं तो कुछ ही बोल पा रही हूँ। आज मुझे यीशु बुलाता है, एक बड़े बरगद की पेड़ की तरह लग रहा है क्योंकि ये मेरे जैसे गरीब डरे हुए कमजोर और ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं, आंसू बहा हमारी शांति के लिए, हमारी परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम आंसू भरे आंखों के साथ यहाँ आते हैं तो यहाँ प्रार्थना योद्धा हमारे लिए संतावना और प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं और उनकी बातें हमें संतावना प्रदान करती हैं। उनकी प्रार्थनाओं का असर जल्द ही होने लगता है। यहाँ आकर अगर हम प्रार्थना निवेदन डालें और प्रार्थना करें तब हम यहाँ से पूरे विश्वास के साथ जा सकते हैं कि जय हमारी ही होगी।